हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एस रसोई एट जी एस आर्टिस्टी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट पूड़ी। जी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चुकंदर से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो चुकंदर। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसको अच्छे से बाहर से ही पहले धो लेंगे, क्योंकि बाहर इसमें काफ़ी गंदगी लगी होती है, मिट्टी होती है। तो पहले इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है, और उसके बाद हम इसका छिलका निकाल लेंगे बाहर का, और फिर इसको रफली चॉप करना है, क्योंकि मैं इसको बॉईल करने वाली हूँ। तो किसी भी शेप में हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको रफली चॉप किया है, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के थे ये पूरा जो है फ्रेंड्स, आधा किलो चुकंदर था। तो इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब हम लेंगे कुकर में फ्रेंड्स 2 गिलास पानी, और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं, कुकर ले रही हूँ मैं, तो 2 गिलास पानी में हमने चुकंदर डालेंगे और इसको बॉईल करना है। और इसमें कुकर में फ्रेंड्स हम लगाएंगे सिर्फ 2 सीटी, क्योंकि 2 सीटी में ये अच्छे से बन जाते हैं, उबल जाता है। हमने इसको उबालना है जैसे हम आलू उबालते हैं। और 2 सीटी आने के बाद, फिर प्रेशर निकलने के बाद, हम इसको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमें जो ये पानी है वो हमने अलग कर देना है, और जो चुकंदर के जो पीसेज हैं फ्रेंड्स वो हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। उसको सिर्फ जो जूस है वो नहीं चाहिए अभी हमें, हम पूरी जो बनाएंगे वो जो इसका पेस्ट है उससे बनाएंगे। और पानी का हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चुकंदर हमारा ठंडा हो गया था, तो एक बाउल भरकर जो है पेस्ट बना लिया है मैंने। तो यहाँ पर चुकंदर का पेस्ट हमारा तैयार है। और ये जो फ्रेंड्स पानी है, इस पानी को हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पानी मैंने साथ में इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो इसका पेस्ट है वो मुझे थिक पेस्ट ही चाहिए था, और जो ये पानी है उसको मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि पानी में भी काफ़ी देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है, इसका नेचुरल कलर है, और इसका जो जूस है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम ये पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, और हम इसको स्टोर करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा काला नमक, इसको ठंडा करने के बाद आप इसमें हल्का काला नमक और नींबू डालकर इसको पी सकते हैं, इस जूस को। और या फिर अगर आप कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो वहाँ पर ये जूस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं किसी ठंडा करके अच्छे से किसी बॉटल में रख दूँगी स्टोर करके। अब मैंने यहाँ पर लिया है आटा, तो आपको जितनी भी पूड़ी बनानी है आप उतना आटा ले सकते हैं। और आटे में जो है फ्रेंड्स 1/2 चम्मच अजवाइन डालनी है हमने, क्योंकि अजवाइन से पूड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रेश हरा धनिया और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को और धनिया को हमने अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है। और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, कम या ज़्यादा, जितना भी आप अपने खाने में यूज़ करते हैं उतना नमक आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच ऑयल, जो आप अपने खाने में ऑयल, कोई भी खाने में आप अपना कोई भी ब्रांड यूज़ करते हैं ऑयल का, वो ले सकते हैं। तो जैसे कि पूड़ी में हम मोयन देते हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। अब क्या करना है, हमने थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेकर आटे में मिलाना है, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। और उसके बाद हमने इसका एक डो बना लेना है आटे का। तो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसका जो कलर आता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आता है, एकदम रेड कलर की पूड़ियाँ जो हमारी बनती हैं, और नेचुरल कलर है, हमने इसमें कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं किया है। तो आटा लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आटा मैंने लगा लिया है, आटा अच्छे से सेट भी हो गया है, और इसको कुछ देर हम छोड़ देंगे अच्छे से, और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे पूड़ी। और ये देखिए, जैसे मैंने बोला था, ये जो जूस था इसका वो मैंने एक बॉटल में स्टोर कर लिया है, और इसको मैं रख दूँगी। चाहे तो ऐसे भी पी सकते हैं, या फिर कभी मैं कोई रेसिपी बनाऊँगी या कोई सब्ज़ी बनाऊँगी तो वहाँ पर इस जूस को हम यूज़ करेंगे। फेंकना हमने कुछ भी नहीं है, तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप उबालते हैं तो पानी इसका बच ही जाता है। तो उसको ज़रूर संभाल कर रखें, मतलब आगे रेसिपी में यूज़ कीजिए, या पी भी सकते हैं आप इसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, और अब हम बेल लेते हैं हमारी पूरी। तो पूरी में जो है मैंने फ्रेंड्स हल्का सा ऑयल लगा दिया था, ताकि बेलने में ईजी रहे। और पूरी का शेप जो है फ्रेंड्स, छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है अच्छे से, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं पूरी। और पूरी को अभी हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है फ्रेंड्स। क्या होता है, नॉर्मली ही पूरी बन रही है जैसे हम पूरी बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये पूरी हल्की सी गर्म होती है, बनने लगती है, सिकती है, तो ये अपने आप ही तेल के ऊपर आ जाती है, उससे पहले हमने इसको छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड हो गया, मैंने इसको हल्का हल्का दबाते हैं, और उसके बाद ये पूरी फूल जाती है। और जब फूलती है तो फ्रेंड्स हम इसको पलट कर हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और पूड़ी तो नॉर्मली आप लोग भी बनाते ही होंगे, तो जैसे पूड़ी सेकी जाती है बिल्कुल वैसे ही सेकनी है। बस जो आटा हमने लगाना था चुकंदर से, वो मैंने आपको तरीका बताया है। और गरम गरम पूड़ी तो इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
तो यहाँ पर देखिए एक पूड़ी सिक गई है मेरी, तो मैं और बना लेती हूँ क्योंकि ऑयल जो है काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया हमारा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी दूसरी पूड़ी, और इस पूड़ी के साथ फ्रेंड्स आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो या बनी हो, आलू की, पनीर की, ये हर सब्ज़ी के साथ ये पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल चाय ले लीजिए, अचार ले लीजिए, उसके साथ भी ये पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, अजवाइन भी डाला है। तो पूड़ी जो है हमारी नमकीन पूड़ी है ये, तो अगर आप चाहें तो इसको बिना सब्ज़ी के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है ये। तो फ्रेंड्स हमारी चुकंदर की पूड़ी, बीटरूट वाली पूड़ी तैयार है, और कितनी फूली हुई, थोड़ी गर्म हो रही है ये, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितनी फूली हुई पूड़ियाँ हमारी बनी हैं, बहुत अच्छी। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आप पूड़ी बनाते हैं ना, तो अगर आपकी हर पूड़ी जो है वो फूलती है, तो इससे पता चलता है कि आपने आटा जो है वो बिल्कुल सही लगाया था, जो इसका डो बनाया था वो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि अगर आपकी हर पूड़ी फूलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने जो है इसको सर्व किया है, नॉर्मल भी जैसे मैंने बोला खा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ आलू की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी और पूड़ी का कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आलू पूड़ी किस किस का फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च, आलू की सब्ज़ी, और साथ में मैंने लिया है स्वीट डिश में सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ फ्रेंड्स ये भी बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बढ़िया सी प्लेटिंग की जाए, और मुझे थाली तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने यहाँ पर की बनाई है और बहुत अच्छी थी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पहले हमने पीसा उसमें टाइम गया, बिल्कुल भी नहीं, आपने देखा मैंने फटाफट से बनाई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को लाइक कीजिए।